नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेश पाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद जेके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सल्फर के महत्व, सरसों की फसल में सल्फर का क्या महत्व है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि अब लगभग धान की फसल लगभग महीने भर में कट जाएगी, उसके बाद उससे पहले ही थोड़े या उसके बाद हम सरसों की बिजाई स्टार्ट हो जाएगी, तो सरसों की बिजाई में हम सल्फर के महत्व के बारे में जानकारी देंगे आपको कि सल्फर जो है हमारे खेत में किस तरह से काम करता है, कि सल्फर के क्या फायदे हैं और हम इसे किस तरह से दें खेत में और कितनी मात्रा में दें और कौन सी खाद के साथ दें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हो सके तो अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सल्फर, सल्फर के हमें सरसों की फसल में क्या, हम किसी भी फसल में क्या फायदे होते हैं, खासकर आज हम तिलहनी फसल के बारे में बात करेंगे, यानी कि सरसों के बारे में बात करेंगे कि सरसों के खेत में सल्फर किस तरह हमें फायदा देती है। तो सल्फर आप लोग जानते होंगे कि एक खाद के साथ साथ एक फंगीसाइड भी है, जो हम इसका इस्तेमाल करने से हमारे खेत में जो है, अगर हम अच्छी क्वालिटी की सल्फर इस्तेमाल करेंगे तो हमें अगली साल को सल्फर की लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सल्फर के हम फायदे बताएंगे आपको। सल्फर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि सल्फर जो है हम लगाने से ये हमारे जो भी पौधों को जरूरत होती है भोजन, तो ये क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे कि भोजन बनाने में पौधे को आसानी होती है और पौधा हमारे सही तरह से भोजन बना पाता है और अपनी वृद्धि करता है। साथ ही साथ सल्फर का प्रयोग करने से हमारे पौधा जो है वो तनाव मुक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उससे जो है, मतलब हल्की बीमारी हो तो उससे जो छुटकारा पाता है, जिससे कि हमारा पौधा तनाव मुक्त हो जाता है। और सल्फर का इस्तेमाल करने से जो है पौधे की, या हम कहें फसल की रोग जो है प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सल्फर आप चाहे किसी फसल में लगाएं ना लगाएं, बात करें सरसों की फसल में, तो सरसों तिलहनी फसल है जिसमें सरसों जो है बहुत ही माने रखता है, सरसों का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। सरसों हमारे, सरसों की फसल में एक तो दाना तो मोटा करता ही करता है और फसल का उत्पादन भी बढ़ाता है, साथ साथ ये तेल की क्वालिटी भी जो है अच्छी रखता है। अगर हम सल्फर का प्रयोग करेंगे तो हमारे सरसों की जो है फसल की क्वालिटी अच्छी होगी तथा तेल भी उसमें से ज्यादा निकलेगा। अब बात करें हम कितनी मात्रा में दें, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। सल्फर जो है हमें सरसों के खेत में लगभग 3 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को देनी है। और आप सोच रहे होंगे अब हम दें तो किस समय दें, तो जो है आप बुवाई के समय चाहे एनपीके या डीएपी के साथ भी दे सकते हैं बुवाई बिजाई के समय, और अगर बिजाई के समय व्यवस्था ना हो तो हम इसे पहली सिंचाई, फूल आने से पहले जो है सिंचाई करेंगे, उस सिंचाई पर ही हम जो है सल्फर देंगे। बात करें किस खाद के साथ में देंगे, तो आप वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप यूरिया के साथ दे दीजिए, चाहे आप डीएपी के साथ दे दीजिए, चाहे एनपीके के साथ दे दीजिए, और चाहे जो है किसी भी खाद के साथ में आपको आप उसे दे सकते हैं। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दें, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इस समय फिलहाल सरसों की खेती नहीं है, जिससे मैं आपको सरसों का पौधा या कुछ भी नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ उससे पहले मैंने जो है ये वीडियो धान के एक टिब्बल पर आकर जो है हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं, तो आप पीछे देख रहे हैं हमारे ये धान है, क्योंकि सरसों की फसल बिजाई तो अभी तो हुई नहीं है, बस होने वाली है, तो जो है जब बिजाई हो जाएगी तो उस समय हम आप लोगों को वीडियो सरसों के खेत का वीडियो अवश्य दिखाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।